module 129 in production analysis and we are going to study technologies with distinct outputs and inputs actually in real life we can see that there are very little or the small number of production functions that can be produced or utilized or expressed with only one or the two inputs मोस्टली प्रोडक्शन फंक्शन आर दोजेट रिक्वायर मोर दैन टू और द थ्री इनपुट्स सिंपल एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें तो हम दो एग्जाम्पल अगर लेते हैं एक हम एग्रीकल्चर से अगर हम लें मीन देर इज़ अ प्रोडक्शन ऑन एनी फॉर्म तो अगर हम देखें कि वीट की प्रोडक्शन है तो इट रिक्वायर्स मल्टीपल नंबर ऑफ द इनपुट्स इट रिक्वायर सीड इट रिक्वायर फार्मर्स practice in the form of you can say the labor it requires pesticides or it can require water it requires any type of the uh, what you can say fertilizer and even fertilizer can be of the various types likewise if we take the example of any industrial production whatever there will be a type of output it will definitely be requiring I mean, if there is an example of the textile, we say it means we require the labor, we require the energy, we require the resources in the form of capital, we require certain dyes, we require certain stitching, we require certain chemicals. So, mostly production function in the real life are those that include more than two or the three inputs. So keeping in view those real life practices we can say mostly production function they include n number of the inputs so here if we say that there is a q level of the output that is being produced by mostly a uh, production function including mean there is a function of x1 x2 x3 and x4 x5 and up to n so here now n is the Multiple or the many number of the input case. If this type of the production function is available to us, then we can generalize our previous concept of elasticity of production or returns to scale even to this level of the production function. In our returns to scale example, we have come up with the one conclusion that.

या ग्रेटर देन वन होगा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल या लेस देन वन होगा तो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल तो जब हमने वो दो इनपुट्स के स्केलिंग के केस में उसको स्टडी किया है तो वो उसी तरीके से उसको हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं अब जब हम मल्टीपल इनपुट के केस में करेंगे तो सिर्फ एक डिफरेंस होगा कि जैसे हमने पहले कहा था कि z1 और z2 इनपुट्स हैं एंड दे आर मल्टीप्लाई बाय दे आर स्केलर t तो हमने कहा था टी जी वन टी जी टू लेकिन नाउ वी आर हैविंग मोर देन वन टू थ्री फोर फाइव मैनी इनपुट्स सो नाउ एक्स वन मल्टीप्लाई बाई टी एक्स टू मल्टीप्लाई बाई टी एक्स थ्री मल्टीप्लाई बाई टी सो वट एवर द सीरीज ऑफ द इनपुट्स we all are utilizing by the same constant factor t and that scalar value will increase that all inputs or the production function by the same factor and that t if of the same degree will be having the influence or impact in the form of the increased output बाई द सेम लेवल दैन इट विल भी कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल और उसी तरीके से अब अगर हमारे आउटपुट में इंक्रीज कम्पेयर टू इनपुट की इंक्रीज तीस से ज़्यादा होती है तो वह हम कहेंगे कि इंक्रीजिंग रिटर्न है और उसी तरीके से अगर उससे कम होगी तो दैट कैन ऑल्सो भी एक्सप्रेसड एज डिक्रीजिंग रिटर्नस टू स्केल सो मल्टीपल इनपुट केस में कुछ डिफरेंसेस होंगे लेकिन मोस्टली कॉन्सेप्ट ऑफ इकनॉमिक्स को हम उसी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं जिस तरह हमने आयलर थ्योरम को दो इनपुट्स के लिए इस्तेमाल किया उसी तरह अब आयलर थ्योरम को हम मल्टीपल इनपुट्स के हवाले से भी उसी तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं कि मीन्स द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ़ ऑल द इनपुट्स को अगर हम देखेंगे तो इन तमाम इनपुट्स की मार्जिनल प्रोडक्टिविटीज़ को जब हम सम अप करेंगे तो डेफिनेटली दे विल बी इक्वल टू द टोटल चेंज इन द आउटपुट या प्रोडक्ट एग्जॉशन थ्योरम जो है वो मल्टीपल इनपुट्स के ऊपर भी सेम वे में ही एप्लीकेबल होता है नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट अगर हम देखें तो हम यहाँ पर कहें कि अगर तमाम इनपुट्स को हम टी या के से मल्टीप्लाई कर रहे थे और वो के जो है वो इक्वल टू वन है तो ये हमारा कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होगा और उसी तरीके से अगर वो ग्रेटर देन वन या लेस देन होंगे तो हम उसको इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल या डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल के फॉर्म में कर सकते हैं लेकिन जब इस इसमें हमारे पास एक क्रूशियल एस्पेक्ट जो आ रहा है कि जब हम दो या तीन इनपुट्स को कर रहे थे तो हमने ये अज्यूम किया था कि वो जो स्केलिंग है वो कांस्टेंट फॉर ऑल इनपुट्स होने चाहिए मींस स्केलिंग का एक्चुअल कॉन्सेप्ट ही ये है कि टोटल प्रोडक्शन फंक्शन के तमाम इनपुट्स जो हैं वो सेम अमाउंट से ही आइदर इंक्रीज होंगे या डिक्रीज़ होंगे और रियल वर्ल्ड सिचुएशन में हमारे लिए इसको इकोनॉमिक्स में अप्लाई करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है नो डाउट मैथमेटिकली हम उसको उसी तरीके से मल्टीप्लाई कर सकती हैं लेकिन अगर हम रियल वर्ल्ड सिचुएशन में जाएं तो आप ये देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ों में हम अगर काउंट करें जैसे हम मैंने एक एग्जांपल आपके सामने पहले एग्रीकल्चर वाली ही रखी थी तो वीट की प्रोडक्शन में ये तो मुमकिन है कि एक फार्मर जो है कि वो खेत में अगर पहले 40 के जी सीड डाल रहा था तो वो 40 के जी के बजाय सिर्फ अपने सीड रेट को इनहांस करके हम कहें कि वो सिक्सटी के जी डालना शुरू हो जाए और अगर वो फ़र्टिलाइज़र का पहले एक बैग डाल रहा था तो वो दो बैग डालना शुरू हो जाए मीन्स वो उसको डबल कर रहा है लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि वो कहे कि जितनी मेरे पास एकड़ ऑफ लैंड्स हैं मैं उनको डबल कर लूँ डेफिनेटली क्योंकि इसमें कुछ आई रिक्वायर होगा या ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती है और उसी तरीके से समटाइम्स हमारे पास कहीं मैनेजेरियल स्किल्स का भी इशू आ जाता है और अगर हम इसमें आप देखें तो हम कहते हैं कि जैसे कोई भी एक फर्म है उसका मोस्टली एक बॉस होता है अब वो बॉस या मैनेजेरियल ही उसका डिसीजन कर सकता है अब अगर उसको प्रोडक्शन को एनहांस करना है तो वो इनपुट्स को तो एनहांस कर सकता है लेकिन द बॉस द मैनेजर या प्रोड्यूसर वो भी इट्स उस मैनेजमेंट टीम का एक हिस्सा है और इफ़ वी आर गोइंग टू डबल द सेम तो माइट बी के कॉन्फ्लिक्ट उन दो के दरमियान आ जाए तो बजाय प्रोडक्शन बढ़ने के वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाए और इसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि जिस तरीके से हमने एग्रीकल्चर वाली पहली एग्जांपल ली कि वो हो सकता है अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए पहले उसके पास एक एकड़ ज़मीन थी तो वो कहता है कि मैं अपनी ज़मीन को डबल कर लूँ अब वो दो एकड़ ज़मीन लेता है तो लेकिन प्रोडक्शन उस तरीके से और वो तमाम इनपुट्स को भी उतनी ही अमाउंट से डबल करता है उतना ही पानी ऐड कर रहा है उतनी ही अब उसको जो उस वो यूनिट उसको पहले एक एकड़ पे लगा रहा था वो दो एकड़ पे उतने ही यूटिलाइज करके मीन डबल कर रहा है तो अब उसको एक्सपेक्ट करता है कि अगर मेरे पास पहली पैदावार जो है वो मेरे पास फोर्टी मंथ्स की हुई थी तो अब दो खेतों से मेरे पास जो है वो एटी मंथ्स की आनी चाहिए लेकिन जो पैदावार है पॉसिबल है एटी के बजाय हंड्रेड भी आ जाए और ये भी हो सकता है एटी के बजाय सिक्सटी आ जाए रीज़न बीन तमाम फैक्टर्स कॉन्स्टेंट हैं लेकिन वी हैव नॉट इंक्लूडेड द फर्टिलिटी ऑफ दैट लैंड मीन दैट वॉज दैट इज नॉट एक्सप्लिसिट ये एक इंट्रेंसिक या अगर हम उसको कहें कि वो छुपा या लेटेंट क्वालिटी है और समटाइम्स ये भी पॉसिबल है कि वो वाले जो एक लैंड है उसके ऊपर कोई पर्टिकुलर कोई वेदर कंडीशन ऐसी हो जाए और दोनों स्पेस ऑफ लैंड जो हैं वो आपस में काफ़ी डिस्टेंस पे हों तो एक का वेदर और दूसरे का डिफरेंट हो जाए तो दीज आर सर्टन फैक्टर्स जिसको अगर हम रियल लाइफ में कहें तो हम कहते हैं कि दैट इज़ नॉट पॉसिबल कि जो हमारी स्केलिंग वाला कॉन्सेप्ट अगर हम मल्टीपल इनपुट्स के केस में हैं तो मैथमेटिकली तो शायद हम उसको उसी फॉर्म में और वही तमाम रूल्स लगा के एक्सप्लेन भी कर सकते हैं प्रूफ भी कर सकते हैं लेकिन रियल लाइफ सिचुएशन में सम टाइम्स स्केलिंग का कॉन्सेप्ट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ़ जो इनपुट्स हैं उन पे ऊपर लगाना सम टाइम्स बहुत मुश्किल हो जाता है और इसीलिए जो लाफ ऑफ प्रोडक्टिविटी है वो हमारा उसी हवाले से जो है हम उसको अगर कहें डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल का जो हम उसी हवाले से उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं क्योंकि एक्चुअली डिमिशिंग रिटर्न टू स्केल के हवाले से इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास ऐसे ज़रूर होंगे उस प्रोडक्शन फंक्शन में जिनको हम स्केल नहीं कर सके जो हमें फिक्स रखने पड़े जिस तरह हमने पहले मैनेजर की बात की या हो सकता है लैंड की बात हो या एक फर्म जो है वो अपना प्रोडक्शन यूनिट जो है वो उसको डुप्लिकेट ना कर सके तो लाइक वाइज कुछ ना कुछ ऑस्पेक्ट ऐसा ज़रूर होगा कि जो उसको मुमकिन नहीं होगा एक्चुअल फॉर्म में स्केल करना सो द मल्टीपल इनपुट केस मैथमेटिकली एंड टेक्निकली इज गोइंग टू फॉलो ऑल द रूल दैट वी हैव स्टडीड फॉर टू इनपुट केसेस और वो हम आइलर थ्योरम के तौर पे लगाएँ हम उसके लिए आईसोक्वाट का रूल लगाएँ हम उसके लिए हम पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का देखें हम रिटर्न टू स्केल दल विल भी एप्लीकेबल लेकिन Real life situation may sometimes it is difficult to follow all these rules. Thank you.